वेलकम बैक गाइस। जब से हमको कार्लोस के अंदर ये बॉन्ड एवोल्यूशन वाला फिनोमेना दिखाया गया था, तब से यार सब लोग इसके एकदम फैन हो गए थे, क्योंकि यार ये एकदम ही यूनिक, एकदम ही अलग सी चीज़ थी, जो कि देख के काफ़ी मज़ा आया कि यार कैसे ऐश का ग्रेनिंजा जो है वो बन जाता है। ऐश ग्रेनिंजा अपने बैटल बॉन्ड फॉर्म में आने के बाद काफ़ी सही थी। अब यार ग्रेनिंजा को देखने के बाद हम सबका मन यही करता था कि यार ऐश के कुछ और पोकेमॉन्स को भी ऐसे बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म मिलना चाहिए, एक उसका स्पेशल टाइप का फॉर्म मिलना चाहिए। तो हाँ, आज की वीडियो में तुम लोग को ऐश के कुछ और पोकेमॉन्स का ऐसे बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म दिखाने वाला हूँ, जो कि एकदम फैन मेड होगा ऑब्वियसली। बाय द वे यार पहले ही बता दूं, जैसे कि इसका नाम है बॉन्ड एवोल्यूशन, तो इसके लिए ऑब्वियसली लगता है एक ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड, इसीलिए मैंने ऐसे पोकेमॉन्स को ही लिया है जिनका बॉन्ड ऐश के साथ सबसे ज़्यादा एकदम बेस्ट था। स्टार्ट करते हैं भाई कैंटो रीजन के साथ में। कैंटो के अंदर जो पोकेमॉन है वो है ऐश का चार्जर्ड, क्योंकि यार कैंटो के अंदर यही भाई ऐश का एकदम एस पोकेमॉन है और काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है। चार्जर्ड की पावर की क्या ही बात करें यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार ऐश का चार्जर्ड। इसके अलावा इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और जब से यार चार्जर्ड ने ट्रेनिंग ली थी चार्सविक वैली के अंदर, तब से इसकी पावर एक्चुअली और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और तुमको पता ही होगा, मतलब एक टाइप से यार ऐसा होता है कि अगर ये बैटल में आ गया ना, फिर तो यार टेंशन ही नहीं है, क्योंकि चार्जर्ड ही जीतता है। हाँ यार, ये थोड़े बहुत मैचेस हार भी गया है लीग वाला जैसे कि, बट यार फिर भी ऐसा, लेकिन कॉन्फिडेंस है भाई इसके ऊपर कि अगर मैच में जाएगा तो चार्जर्ड जीतता ही है यार। बहुत पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का। चार्जर्ड के पास मेगा एवोल्यूशन है, हालांकि ऐश ने उसको मेगा एवोल्व कभी किया नहीं है, इसीलिए यार ये रहा ऐश का चार्जर्ड का एक स्पेशल टाइप का फॉर्म। इसका यार मैं नाम रखना चाहूँगा हीट फॉर्म। पता है उतना भी कुछ खास नाम नहीं है, पर यार मैं कोई नाम रखने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ, बट हीट फॉर्म एक काफ़ी अच्छा नाम रहेगा। इस वाले फॉर्म को देख के ना लगता है कि इसमें यार चार्जर की टाइपिंग रहनी चाहिए डार्क और फायर, और ये बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन से भाई डिफरेंट चीज़ रहेगी। मतलब इसमें भी यार चार्जर तभी आ पाएगा ऐश का, जब यार ऐश का और चार्जर का बॉन्ड एकदम अच्छा हो जाएगा, और जो कि है अभी भी, लेकिन एकदम ही अलग ही जब लेवल पर हो जाएगा तब यार ऐसे चार्जर इस फॉर्म में आ सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे को तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और यार वैसे भी ऐश का चार्जर्ड उसका सबसे फर्स्ट एस पोकेमॉन बना था यार, सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन बना था जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था। तो यार ये तो एक एक्सक्लूसिव टाइप का फॉर्म डिजर्व करता है, जो कि सिर्फ ऐश का चार्जर्ड ही मतलब इस फॉर्म में आ सकता है, ऐसा टाइप का एक फॉर्म, जो कि मेरे को ये काफ़ी सही लग रहा है उसके लिए। नेक्स्ट आता है ऐश का लुकारियो। लुकारियो एक फाइटिंग और स्टील टाइप का पोकेमॉन है, और ये ऐश के गलार पोकेमॉन टीम का एक हिस्सा है। हम सबको यार स्टार्टिंग से ही पता था कि यार लुकारियो ना गलार टीम का एस पोकेमॉन होने वाला है ऐश का, और हम वो देख भी रहे हैं यार कितना पावरफुल बनता जा रहा है ऐश का लुकारियो धीरे धीरे करके, और भाई बहुत सही पोकेमॉन है लुकारियो, उसकी बैटल्स देखने में भी बहुत मज़ा आता है। अब तो हालांकि यार ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो चुका है, लेकिन सब लोग पहले सोच रहे थे कि इसको भी एक स्पेशल टाइप का फॉर्म मिलेगा, और सबसे पॉपुलर हो रहा था ऑरा फॉर्म। इसका नाम है ऑरा फॉर्म, और यहाँ पे तुम इसका एक फैन मेड देख सकते हो। भाई ये फॉर्म अगर आता ना सही में, मेरे को तो बहुत मजा आता, क्योंकि ये बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट टाइप का होने वाला था। मतलब जैसे पहले बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म आया था, इस बार कुछ ऑरा फॉर्म करके आता, क्योंकि यार अब तो देखा जाए तो मेगा एवोल्यूशन भी थोड़ा सा कॉमन टाइप का हो गया है। मतलब ऐश के लिए तो अभी भी रेयर ही है भाई, अब तो अब जाके उसने पहला पोकेमॉन मेगा एवोल्व किया है, लेकिन वैसे पोकेमॉन वर्ल्ड में थोड़ा सा कॉमन हो गया है। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप के फॉर्म्स हैं, जैसे कि ऐश ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म, ये भाई कुछ अलग ही रेयर चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ देते हैं ऐश के लुकारियो तो काफ़ी मज़ा आता है यार मेरे को तो, और ये ऑरा फॉर्म सही में काफ़ी सूट करता है उस पर, और मेरे हिसाब से इसकी टाइपिंग साइकिक और फाइटिंग हो जानी चाहिए थी उस फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ऐश का सेप्टाइल। ये ऐश के होएन का एस पोकेमॉन है, और सही में यार इसकी पावर अलग ही लेवल की है यार, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ये। सब लोग को याद ही होगा कैसे भाई इसने एक अनडिफिटेड डार्करै को हराया था, उससे हम सब समझ गए थे भाई ये ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं, बहुत पावरफुल है सही में ऐश का सेप्टाइल। इसके पास वैसे ऑलरेडी मेगा एवोल्यूशन है, जो कि काफ़ी ओपी है, लेकिन एक अलग फॉर्म की बात ही अलग होती है यार सही में, जैसे कि वो डिफरेंट टाइप का मिलता है इसको, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी एक बॉन्ड इवॉल्व टाइप का फॉर्म कुछ मिलता तो काफ़ी मज़ा आता, जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा हो सकता है। ये वाला डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, तो हाँ यार इसके लिए भी एक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से यार इसको मिलना भी चाहिए था, ये डिज़र्व करता है यार ऐसा फॉर्म, क्योंकि इसके साथ भी बॉन्ड काफ़ी अच्छा है ऐश का, और यार डेफिनेटली तब तो ये और भी पावरफुल बन जाता। नेक्स्ट आता है ऐश का इन्फरनेप। ये भाई ऐश के सिनो का एस पोकेमॉन है, और सही में इसकी पावर भी एकदम अलग ही लेवल पे है यार, कितना पावरफुल पोकेमॉन है ये ऐश का। और यार इसका मतलब काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की चीज़ है, क्योंकि इतने वीक से इतना स्ट्रांग पोकेमॉन बना था, कहाँ भाई ये एक टाइम पे इतना वीक था, और फिर कहाँ ये आगे चल के इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। और सही में यार मतलब ऐश बिल्कुल परफेक्ट ट्रेनर था यार ऐश के इन्फरनेप के लिए, और इन्फरनेप को भी डेफिनेटली एक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म मिल सकता है, जिसका नाम यार ब्लेज फॉर्म हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और डिज़ाइन तो तुम देख ही सकते हो कुछ ऐसा हो सकता है। और इसमें यार इसकी टाइपिंग भी तुम लोग देख सकते हो, फ्लाइंग और फायर हो सकती है, या फिर मतलब जो भी टाइपिंग है वो भी हो सकती है। तो यार अगर इसको एक बॉन्ड इवॉल्व या फिर हम लोग कह सकते हैं एक ब्लेज फॉर्म ऐसा कुछ मिलता तो काफ़ी मज़ा आता है सही में, और इसकी पावर तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाती।
नेक्स्ट आता है ऐश का पिकाचू। देखो यार, अगर हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि ऐश का और पिकाचू का बॉन्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है। मतलब ऐश के सारे पोकेमॉन्स में से भाई ऐश का बॉन्ड सबसे ज्यादा उसके पिकाचू के साथ अच्छा है। इसीलिए हमको काफी बार ऐसा भी देखने मिलता रहता है कि यार मतलब समझ में आ जाता है यार ऐश अपने पिकाचू से उसके बाकी पोकेमॉन के कंपैरिजन में ज्यादा प्यार करता है। और ये चीज भाई सबको अच्छे से पता है, हर किसी का बॉन्ड यार उसके स्टार्टर पोकेमॉन के साथ ही सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए यार ऐश का और पिकाचू का बॉन्ड भी आपस में सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो यार ऐश के पिकाचू का एक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म क्यों नहीं है देखा जाए तो। और वैसे भी बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म या फिर कोई स्पेशल टाइप के फॉर्म में जरूरी नहीं है कि भाई फाइनल एवोल्यूशन में ही हो, वो सिर्फ मेगा एवोल्यूशन के लिए कंपलसरी है। पर यार यहाँ पे मेरे को लगता है कि ऐसे भी फॉर्म में मिल सकता है और इसका बॉन्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है यार ऐश के साथ में। तो यहाँ पे तुम एक फैन मेड डिजाइन देख सकते हो इसके बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म के लिए। हालांकि यार सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि यार पिकाचू को एक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म मिलेगा, और मैं चाहता भी नहीं हूं इसको कभी मिले, क्योंकि यार पिकाचू ना जैसा है वो वैसा ही बेस्ट है एकदम अपने ऐसे वाले सेकंड स्टेज में एकदम बेस्ट है। ना तो भाई इसको कभी इवॉल्व करे पोकेमॉन वाले और ना ही इसको कोई फॉर्म दे मेरे लिए, तो भाई वो बेस्ट है और मुझे नहीं लगता इसको कोई फॉर्म की जरूरत है। नेक्स्ट आता है ऐश का बटरफ्री। भले ही यार बटरफ्री यार ऐश का एक रिलीज पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कि कौन बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, मतलब किसका एक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म हो सकता है, तो वो डेफिनेटली बटरफ्री भी होगा एक पोकेमॉन। तो अब यार बटरफ्री ऐश का सबसे फर्स्ट पोकेमॉन था जिसको उसने कैच किया था सबसे पहले कैटरपी वाले स्टेज में, और ये काफी जल्दी इवॉल्व हो गया था अपने फाइनल स्टेज तक। और यार देखो यार स्टार्टर पोकेमॉन के साथ ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, लेकिन जो पोकेमॉन तुमने फर्स्ट कैच किया है उसके साथ भी एक बहुत स्पेशल टाइप का बहुत प्यारा टाइप का बॉन्ड होता है, जो कि ऐश का भी था उसके बटरफ्री के साथ में। सबको याद होगा यार साथ में कितने सही लगते थे वो दोनों, और जब ऐश ने रिलीज किया था यार बटरफ्री को तब ऐश कितना सारा रोया था। तो यार अगर देखा जाए ना बटरफ्री अगर ऐश के पास अभी होता उसका एक पोकेमॉन होता तो ये बिल्कुल कैपेबल होता है यार बॉन्ड इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इनका बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसका फैन मेड डिज़ाइन भी तुम लोग देख सकते हो कितना सही लग रहा है भाई ये वाला डिज़ाइन। ऐसा कुछ हो सकता था बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म वाला बटरफ्री। नेक्स्ट आता है ऐश का ग्रेनिंजा। अब यार हम लोग बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसकी बात तो करनी चाहिए जिसने ये बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म लाया यार पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, मतलब इतनी स्पेशल चीज़ जो हमको दिखाई है यार, वो है ऐश का ऐश ग्रेनिंजा। ऐश ग्रेनिंजा यार मतलब एकदम एक्सक्लूसिव टाइप का भाई, जो कि ये बन सकता है बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म कर सकता है, मतलब बिल्कुल ही कुछ नई चीज़ देखने मिली थी यार हमको। और इससे हम समझ सकते हैं कि ऐश का उसके फ्रोकी या फिर तुम कह सकते हो उसके ग्रेनिंजा के साथ कितना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया था कि यार फिर वो बॉन्ड इवॉल्व हो गया, और ये फर्स्ट टाइम था जब ऐसा कुछ हुआ था। वरना यार ऐश के साथ पहले भी काफी पोकेमॉन्स का बॉन्ड अच्छा हो चुका है स्टार्टिंग से, लेकिन ग्रेनिंजा ही था यार सबसे पहले जिसके साथ इतना अच्छा बॉन्ड हुआ कि मतलब उसको एक फॉर्म ही मिल गया, एक अलग टाइप का ही फॉर्म मिल गया। मतलब सही में यार किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ आ सकता है एक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म टाइप की चीज़, लेकिन जब सबने ये देखा तो सब एकदम चौंक गए। और उसमें जो पावर इंक्रीज होती है यार ऐश ग्रेनिंजा की, भाई बिल्कुल काबिले तारीफ है। और यार जैसे कि मेगा एवोल्यूशन में 100 स्टैट्स बढ़ते हैं, तो भाई यहाँ बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में सीधा 110 बढ़ गए थे यार ग्रेनिंजा के, तो ये कुछ अलग ही टाइप की चीज़ थी। और सही में यार वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है ऐश ग्रेनिंजा। तो हाँ यार मेरे हिसाब से ये सब वो ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि भाई बॉन्ड इवॉल्व हो सकते हैं, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड है इनके साथ ऐश का। तो हाँ ये वो पोकेमॉन से जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकते हैं जिनका मैंने तुमको फैन मेड दिखाया भाई बॉन्ड एवोल्यूशन। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और लाइक है आज मैं फिर से 6000 लाइक्स रख रहा हूँ, और अगर 6000 लाइक्स हो जाते तो ऐसा कुछ आएगा फैन मेड और भी। और बाकी सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जल्दी 300 के करते हैं। बाकी मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।